हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ बताने वाला हूँ कि इसे वन के बराबर क्यों लिखा जाता है। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि यहाँ पे जो एक्स होता है वो एक्चुअल में एंगल होता है जो कि जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट का यूज़ करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। इसे यूनिट सर्कल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रेडियस वन होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इस यूनिट सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ड्रॉ किया है जिसका एंगल थीटा है, और हमने ये जो ओपोजिट है इसकी लेंथ को हमने साइन थीटा के बराबर रखा है, और जो एडजेसेंट है उसको उसकी लेंथ को कोस थीटा के बराबर रखा है। तो इसके पीछे एक कारण होता है क्योंकि हमें पता है जो सर्कल है इसकी रेडियस वन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हाइपोटेनस है ये भी वन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पे वन लिखते हैं तो हमें ओपोजिट इक्वल टू मिलेगा साइन थीटा और एडजेसेंट इक्वल टू मिलेगा कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम इस राइट एंगल को कुछ पॉइंट दे दें जैसे ओ ए बी, तो इस राइट एंगल का जो एरिया है अगर यहाँ पर पॉइंट सी माना जाए तो, और यहाँ पर जो एरिया बनेगा ए ओ सी इससे तो कम ही होगा। इसके बाद अगर एक बड़ा राइट एंगल बनाया जाए, मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो डी है, तो इसका जो एरिया होगा डी ओ सी का इन दोनों से बड़ा होगा। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हो कि जो ए ओ बी है इसका एरिया ए ओ सी से छोटा है, उसके बाद डी ओ सी का एरिया इन सबसे बड़ा है, और ये वाली जो लाइन है ये टेन थीटा के बराबर होती है क्योंकि हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है ओपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो होता है। और एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट है ये वाली लाइन, और इस सर्कल की रेडियस वन है, जिसका मतलब है यहाँ पर वन हो जाएगा और हमें ओपोजिट इक्वल टू मिलेगा टेन थीटा, इसलिए इस लाइन को टेन थीटा के इक्वल रखा जाता है। अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन इनके एरिया पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ए ओ बी का एरिया पता करते हैं, ठीक है। तो किसी एक राइट एंगल का जो एरिया होता है वो होता है वन बाय टू इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा बेस है वो कोस है और हाइट है साइन थीटा। इस तरह से हमें ए ओ बी का जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा वन बाय टू इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हम डी ओ सी का एरिया निकालते हैं, तो डी ओ सी का जो एरिया है वो होगा वन बाय टू इंटू बेस। यहाँ पर बेस वन इसलिए लिया गया है क्योंकि जो बेस है रेडियस के बराबर है और सर्कल की रेडियस वन है, इसलिए यहाँ पर वन लिया गया है, और जो हाइट है वो टेन थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो एरिया मिलने वाला है वो होगा वन बाई टू इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए ओ सी का एरिया पता करेंगे। तो ए ओ सी का एरिया पता करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये जो सर्कल है इसके फुल रोटेशन में 360 डिग्री होता है, और इसे अगर रेडियन में बोला जाए तो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, एक सर्कल के फुल रोटेशन में। और इस सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर इस छोटे से एरिया की बात की जाए, मतलब ए ओ सी की, तो यहाँ पे जो एंगल है वो है थीटा, और मान लेते हैं कि जो इसका एरिया है वो एस है। अब अगर हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाएं और इस 2 पाई में थीटा का डिवाइड कर दें और पाई आर स्क्वायर में एस का डिवाइड कर दें और इन दोनों को बराबर लिख दें, तो हमें एस बराबर मिलेगा वन बाई टू इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ए ओ सी का जो एरिया मिलेगा वो होगा वन बाई टू थीटा इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर है वो हमारे सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस वन है, इसलिए यहाँ पे वन हो जाएगा, और उसके बाद ये जो वन बाई टू है ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू टेन थीटा। अब अगर इन तीनों टर्म्स में थीटा का डिवाइड कर दिया जाए तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अब अगर हम इस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को कंपेयर करें, और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को कंपेयर करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब अगर हम इसके दोनों साइड कोस थीटा का डिवाइड करें तो हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा। और हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। और अब अगर हम इसके दोनों साइड कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा कोस थीटा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वापस से हम इन्हें कंपेयर करेंगे। इन्हें कंपेयर करने से पहले हम इनकी जगह आपस में बदल देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कोस थीटा है लेस देन इक्वल टू है साइन थीटा अपॉन थीटा के, और ये जो साइन थीटा अपॉन थीटा है लेस देन इक्वल टू है वन अपॉन कोस थीटा के, मतलब
ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक दो से छोटा है, दो तीन से छोटा है। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक दो से छोटा है, दो तीन से छोटा है। इसी तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा। और हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो ज़ीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट का यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ पर लिमिट का यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कोस ज़ीरो लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू वन अपॉन कोस ज़ीरो, ठीक है। और जो कोस ज़ीरो होता है उसकी वैल्यू वन होती है, इसलिए हमें यहाँ पर वन मिलेगा और यहाँ पर वन अपॉन वन मिलेगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा वन लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो वन से वन के बीच में है। तो इसका मतलब है कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू होगा वन। और एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिंबल है ये शो करता है कि ये जो वन है इससे बड़ा है या इसके बराबर है। तो ये तो बड़ा तो नहीं है क्योंकि ये वन से बड़ा है और वन से छोटा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक टाइम पे एक से बड़ा भी हो जाए और एक टाइम पे एक से छोटा भी हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो लेस देन की प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर फेल हो रही है, केवल इक्वल टू की जो प्रॉपर्टी है वो लग रही है। इसलिए लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इसे वन के इक्वल क्यों लिखा जाता है। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।